क्या नाम बात तुम्हार? रजनी। तो आप बच्चा कल गायब हो गया, आज मिल गए? हाँ। कितने घंटे बाद मिला आपको बच्चा? 12 बजे, 3 बजे, 3 बजे 12 मिनट पर, 12 बजे रात के मिलल बड़ा। 12 बजे रात के, कब बजे गायब हो? 3 बजे 12, 3 बजे के 12 मिनट। अच्छा, तो पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार बरामद कर ली, खुश हो? हाँ खुश। काफी मेहनत भाई पुलिस का? कहाँ ले गए लड़कियाँ, का बता, का पता चला आपको? पतोही के साथ में दवाई के अपहरण किया था, औरत लेकर गई थी। हाँ। नाती को कौन थी, क्या है उसका कुछ पता है? कुछ पता चला क्यों ले गई थी? कुछ पता चला? बताओ थे कि हम घर से ले गए हैं, का जा पता चला? अच्छा, किसी और को देने के लिए कुछ ऐसी बात है? सिपाही जी पूछा था सरकार का ले गए, तो कहते कि घर से ले गए हैं। हाँ, कि 15 सितंबर को ये दोपहर को हम लोग को सूचना मिली थी कि थाना सुखपुरा में एक सुबाई बांध नाम का गांव है, वहाँ से एक 4 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। इस संबंध में मुकदमा लिखे जाने के साथ साथ हमारी टीम्स कार्यरत हो गई थी तेज़ी से, और 7 घंटे के अंदर हमें सफलता मिली उस बालक को रिकवर करने में। और अभियुक्ता जिन्होंने गिरफ्तारी की, जिन्होंने अपहरण किया था, उनको गिरफ्तार करने में अभी तक जो विवेचना चल रही है उसमें समझ में आ रहा है कि कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके संदर्भ में भी कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि वे भी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी तक जो बातें समझ में आई हैं, विवेचना में सामने आई हैं, वो ये है कि शायद इस बच्चे को वो किसी लावल्द कपल को देना चाह रही थी और इसमें कुछ पैसे के भी लेन देन होने की संभावना थी। ये कहाँ की महिला है जो अपहरण की है और कहाँ के रहने वाली है और बराबर भी ऐसे मामले में संलिप्त है? ये महिला अभी तो बलिया जनपद में ही रह रही है, थाना कोतवाली क्षेत्र में। ये अपना मकान बदल बदल के रहती है और इसके विरुद्ध एक मुकदमा पहले 2017 में थाना उभाव में भी दर्ज है, लेकिन वो 419, 420, 380 का मूल निवासी कहाँ की? मूल निवासी अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है, बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी वो अपने आप को देवरिया की रहने वाली बताती है तो कभी मऊ की, तो इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा।